ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ, क्या मिला तुम्हें, हासिल क्या किया तुमने, क्यों है तुम्हें इतनी जिद, क्यों मेरी बात नहीं मानती हो तुम? कोई जिद नहीं है मेरी, अभी तुम प्लीज चाहती एक बार मेरी बात सुनो, तुम पुरानी बातें तुम मुझे बोलने कितने देर, मेरी बात तो सुन लो तुम। मैं बोलने दूंगा, बहुत बोलने दिया है मैंने, बहुत सुना है मैंने, तुम मेरी एक बात सुनती हो, क्यों बोलोगी, क्यों सुनूंगा मैं? प्रॉब्लम ही यही है, प्रॉब्लम यही है कि तुम कोई बात सुनती ही नहीं हो। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी बात सुनने से, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरी बात सुनने से? अभी बस करो, अभी प्लीज, मुझे नई हालत मेरी, मैं खुद इतनी बिगड़ी हुई हूँ, और कुछ बिखरा हुआ नहीं देखा जा रहा है मुझसे, ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्लीज। मेरी बातें शोर लगने लगी हैं तुम्हें, तुम्हारी जो मर्जी, मैं तुम करती रहो, मैं कुछ करूं तो वो शोर है, तो ठीक है मत सुनो, वैसे भी कहां सुनती हो तुम मेरी बात, वैसे भी आदत है तुम्हारी लोगों से सिचुएशन से भागने की, भाग लो इस सिचुएशन से भी, भाग जाओ यहां से भी, पहले सिचुएशन क्रिएट करती हो उसके बाद उस सिचुएशन से भाग लेती हो, ये बताओ तुम अपने आप को कैसे फेस करती हो? क्योंकि आज ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी की मौत का इल्जाम तुम पर लगाओ। कहना क्या चाहती हूँ? और वो हमेशा बोलती है ना कि तुमने उससे उसकी मां को छीना है। अब मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई अपने बच्चों को खो दिया, तुम्हारी वजह से, अब आज जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से, तुम तो अब भी नहीं मान रही हो, तब क्या हुआ मुझे क्या पता, शायद ऐसे कुछ हुआ हो, एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम ऐसी ही हो, जिद्दी, किसी की बात नहीं मानती, हमेशा अपना मन करती हो। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, सबसे लड़ा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, देखो आज कहां आके खड़ा हो गया हूं, सिर्फ 3 लोग नहीं मरे आज, आज 9 लोगों की जान गई है, मां आरोही, ताऊ जी, ताई जी, भाई, भाभी, रिश्ता, सर और मैं, सब, मैं इस घर का बेटा हूं, इस घर के लोग, ये घर मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं निभा पाया अपनी जिम्मेदारी, किसकी वजह से? अपनी बीवी की वजह से, मैं गलती की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूं मैं, लेकिन अब बस हो गया हमारा डिवोर्स, संभालिए खुद को। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए अपनी औलाद को खोना कैसा होता है, मैं समझता हूं इस दर्द को, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे को खोया, लेकिन इस वक्त आपको हौसला रखना होगा, आपके परिवार को आपकी जरूरत है। मैं क्या कहूं मनीष जी, जब वो जिंदा था मैं उसे डांटता रहा, दुखकारता रहा, पता नहीं क्या क्या कहा मैंने उससे,
मगर अब जब वो चला गया है कैसे बताऊं मैं उसे कि मैं कितना प्यार करता था। अर्शी, एक बाप को अपनी औलाद को ही बताने की जरूरत नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। औलाद का दिल जानता है कि बाप हर वक्त उसी के बारे में सोचता है। नील को पता था कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। मंजरी जी और आरोही? आरोही तो बस रोई जा रही, बहुत मुश्किल से सुलाया उसे। और मंजरी, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वहां पे क्या गुजर रही होगी। बस 2 मिनट लगते हैं। आपने जो भी देखा सुना, जाना माना, सोचा समझा, सब बदल जाता है। हर चीज के मायने बदल जाते हैं। जिंदगी आपके सामने से गुजर जाती है और आप बस खड़े रह जाते हैं। कब हो गया, कैसे हो गया? मन में बार बार वही ख्याल आ रहा है कि काश अक्षरा नील के साथ उस कॉन्सर्ट में ना गई होती, ना वो जाती और ना ये सब होता। जब तक तुम मेरे सामने रहोगी ना, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाते रहोगी तुम कि तुम्हारे वजह से मैंने अपने परिवार को बिखरने दिया, अपने भाई को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। अब माँ को नहीं खोऊंगा मैं, और कुछ नहीं खोऊंगा मैं तुम्हारी वजह से, कभी नहीं, और नहीं गिरूंगा मैं अपनी नसरों में। हो गया, I'm done। बहुत कोशिश कर ली हमने, आई थिंक हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। जितनी बार कोशिश की, जितनी कोशिश की, क्या हुआ? हमेशा सिर्फ बुरा। एक दूसरे को सेकंड चांस दिया हमने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी चांसेस दे दो नतीजा यही होगा, यही बर्बादी, यही दवाई। खत्म करते हैं यार, खत्म करते हैं इस बर्बादी, इस तबाही को खत्म करते हैं बस, और नहीं हो पाएगा मुझसे। ये रिश्ता क्या कहलाता?